वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट दिस सोसाइटी। एक ऐसा शहर जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई बाहर फ़ोन नहीं कर सकता, लिमिटेड खाना है, लिमिटेड बिजली है, पर यह भी नहीं पता कि कितनी है। ऐसे शहर में फंस गए हैं स्कूल के स्टूडेंट्स, पर इन्होंने भी हार नहीं मानी है। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, आपस में रोटेशनल बेसिस पर काम बांट लिए हैं, सारी अरेंजमेंट्स फ़िलहाल ठीक चल रही हैं। कैसेंड्रा इस कमेटी को लीड कर रही थी, हर चीज़ के अरेंजमेंट्स को बड़े अच्छे से देख रही थी, पर पिछले हिस्से में उसकी मौत के बाद अब क्या होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। एक स्टूडेंट कैसेंड्रा की बॉडी से गोली निकाल कर देख रहा है, कोशिश कर रहा है ये जानने की कि आखिर ये गोली कौन मार सकता है। सामने के फील्ड में एक कब्र खोदी जा रही है कैसेंड्रा की लाश को दफनाने के लिए। एली पर तो जैसे कहर ही टूट पड़ा है। अपनी बड़ी बहन के साये में वो अपनी ज़िंदगी गुजारती आई है, उससे लड़ के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती है, पर अब वो नहीं रही। चर्च में उसकी लाश को लाया गया है, सभी उदास हैं। एक स्टूडेंट तो वायलिन बजा रही है कैसेंड्रा को भावभीनी विदाई देने के लिए। जब हैरी कैंपबेल के साथ आया तब विल उससे लड़ पड़ा। उसने कहा, मुझे मालूम है कैसेंड्रा से तुम कितने चिढ़ते थे, अब तो तुम्हारा प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ हो गया ना। कैंपबेल विल की तरफ हावी हो रहा था पर हैरी ने उसे रोक दिया। जब एली को कैसेंड्रा के बारे में दो शब्द कहने को कहा गया तब वो माइक के सामने बोलते हुए रो पड़ी। उसने कहा, मेरी बहन एक अच्छी इंसान थी, कभी किसी का बुरा नहीं करती थी, तो फिर तुम में से किसने उसे मारा और क्यों? सब खामोश थे। एली को संभालने विल आया, फिर कुछ स्टूडेंट्स उसकी लाश को ले जाने लगे। इसे ले जाकर उस खोदी हुई कब्र में दफनाया जा रहा है। सब ने उसकी आत्मा की शांति के लिए परंपरा के तौर पर प्रार्थना की। लेक्सी तो अपने आप को कमरे में कैद कर चुकी है, उसने एक बैट भी हाथ में ले रखा है, अगर कोई उसे इस कमरे से निकलने को कहेगा तो उसे मार देगी। दो स्टूडेंट्स यहाँ पहुँची। इस पर लेक्सी ने अंदर से ही बिना दरवाज़ा खोले कहा, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग किस मुसीबत में हैं, और ऐसे में हम में से ही किसी ने कैसेंड्रा को मार दिया, आखिर वो हमारे लिए तो सब कुछ कर रही थी। तुम सब बाहर में जाओ, मैं यहाँ से नहीं निकलने वाली तब तक जब तक हमें हमारे पेरेंट्स लेने नहीं आ जाते। जिस जगह पर कैसेंड्रा की मौत हुई गॉर्डी और एली उस जगह की घेराबंदी कर रहे हैं। एली ने गॉर्डी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन को मारने वाले उसे अकेला छोड़ गए होंगे या फिर उसके मरने के बाद भी वहाँ ठहरे होंगे? गॉर्डी ने कहा, मैं उस प्रॉम पर उसका डेट था, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है उतनी ही मुझे हुई है, अब तुम इस ट्रॉमा से बाहर निकलो। इन सब बातों से कैसेंड्रा को तकलीफ पहुँचेगी, अब हमें आगे देखना होगा। एली ने कहा, काश उन्होंने मुझे मार दिया होता मेरी बहन की जगह, वो यहीं लेट गई, उसे कुछ वक्त लगेगा इस सदमे से बाहर निकलने में। अब कुछ ने अपने असाइन किए हुए काम को करना बंद कर दिया है, कुछ दिनों से गार्बेज को नहीं उठाया गया। विल ने हैरी और बाकी स्टूडेंट से कहा, किचन का काम अगर ठीक से नहीं चला तो सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में खाने के लिए लड़ पड़ेंगे, अगर किसी को भी खाना नहीं मिला तो अपना असाइन काम नहीं करेगा, हम सबको अब सीरियसली अपना अपना असाइन काम करना होगा। कुछ लड़कियां आपस में डिस्कस कर रही हैं कि आखिर कैसेंड्रा को कौन मार सकता है, क्या वो हैरी हो सकता है या फिर कैंपबेल जिसने पिछली बार कैसेंड्रा को गन दिखाई थी। किसी को नहीं मालूम कि सच क्या है। लेक्सी अभी भी कमरे में अपने आप को बैट के साथ बंद किए हुए है। सभी अपने डिप्रेशन से डील करने का अलग अलग तरीका निकाल चुके हैं। स्टोर के बाहर गार्ड के सामने एक स्टूडेंट आया, जब उसे अंदर नहीं जाने दिया गया तब उसने गन दिखाई। डर के मारे गार्ड ने भी चाबी उसे दे दी। गॉडी एली से कह रहा है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बुलेट से फाइंड आउट कर लूँगा कि किसने उसे मारा है, किसी के पास तो गन है, ये बुलेट 9mm की है, मैं उस गन का पता लगाऊंगा जिसमें 9mm की बुलेट डाली जाती है और किलर हमारे सामने होगा। एली ने कहा, जब मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आएंगे तब मैं उनसे क्या कहूँगी, ये कहूँगी कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाई। कैफेटेरिया में जब सब खाना खा रहे थे तब दो स्टूडेंट्स आपस में लड़ पड़े, एक ने गन निकाल दी, उसे देखकर दूसरे ने भी गन निकाल दी। एक ने दूसरे से कहा, पहले तुम गन नीचे करो फिर मैं नीचे करूँगा। दूसरे ने कहा, पहले तुम नीचे करो फिर मैं करूँगी। सभी डर के मारे इस समय टेबल के नीचे छिपे थे, कुछ ज़मीन पर ही लेट गए थे, एक गन नीचे भी पड़ी थी, एक के हाथ में वो भी आ गई। इतने में भगदड़ मच गई, सभी यहाँ से निकल कर भाग गए। बाद में कुछ स्टूडेंट्स साथ में बैठकर ये सोच रहे हैं कि ऐसे तो हम एक दूसरे को ही मार देंगे। गॉडी ने एली से अकेले में कहा, अब तुम्हें कैसेंड्रा की पोजीशन लेनी होगी, सब कुछ संभालना होगा वरना हर किसी की लाश यहाँ तुम्हें दिखेगी, सब आपस में ही लड़ पड़ेंगे। एली ने कहा, पर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसेंड्रा कैसे बन सकती हूँ? गॉडी ने कहा, तुम बन सकती हो, तुम्हारे पास सबकी सिंपति है, अब तुम हमारी प्रेसिडेंट बनोगी। एली इन सब बातों को सुनकर रो पड़ी। उसने कहा, मैं अपनी बहन की जगह नहीं ले सकती, अगर मैं लीडर बनी तो सब मुझे ऐसे ही मार देंगे जैसे उन्होंने कैसेंड्रा को मारा था।
फिर जब पेरेंट्स आएंगे तब जब उन्हें हम दोनों बहनों में से कोई नहीं दिखेगा तब उन पर क्या बीतेगी। जब वो बाहर निकली तब बाकी स्टूडेंट जिसमें विल भी है सब की यही राय है। एली ने कहा, तो तुम सब ने मुझे भी मार डालने का प्लान बनाया है। विल ने कहा, एली तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत हुआ, पर हमारा मानना है कि तुम में कैसेंड्रा की झलक है, अगर तुम लीड करोगी तो सब तुम्हारी बात को मानेंगे। एली ने सबसे पूछा, क्या तुम सबको इस बात की सहमति है? मुझे कोई शौक नहीं है लीडर बनने का, पर अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम सब आपस में लड़कर मर ना जाओ, मैं ये करने को तैयार हूँ। शायद मेरी बहन जहाँ से भी मुझे देख रही होगी मुझ पर गर्व महसूस करेगी, पर तुम सबको मेरी हर एक बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ेगी, और मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि मैं जो भी फैसला लूँगी वो हम सब के हित में होगा। सब ने एली से वादा किया कि वो उसके हर एक ऑर्डर को बिना किसी विरोध के मान लेंगे। अगली सुबह चर्च में मीटिंग हुई। एली यहाँ सबके सामने आई। उसने कहा, मैं अपनी बहन कैसेंड्रा के नाम पर आप सबको सेफ रखने के लिए ये जिम्मेदारी संभालती हूँ। मैं उन नियमों को फिर से एस्टेब्लिश करूँगी जिसे कैसेंड्रा ने बनाया था, हर वो चीज़ जिससे कि शहर को प्रॉपर चलाया जा सके मैं उसे फिर से एस्टेब्लिश करूँगी। क्या किसी को इस बात से आपत्ति है? सब ने अब एली को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया है, हैरी ने भी और कैंपल ने भी। एली ने कहा, ठीक है, आज दोपहर तक सबके काम की लिस्ट लग जाएगी और मुझे जिस जिस के पास भी गन है वो सारी जब्त करानी है, हम किलर को भी फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। एक स्टूडेंट जो गार्ड का काम करता है उसने कैंपल से उसकी गन ले ली, उसे वो एली के सामने लाया। एली ने ये गन ले ली। कैंपल ने कहा, ठीक है इसे तुम रख लो, रूल के मुताबिक ये अब से तुम्हारी हुई। एली ने इसे रख लिया। अब धीरे धीरे यहाँ मैनेजमेंट लौट आया है, सबको खाना समय पर मिलने लगा है। गॉडी जिस जिस पर शक है उनसे गन लेता जा रहा है, वो उस बुलेट से इन्हें मैच करने की कोशिश करेगा। हेलेन ने तो अपने आप से ही गन को एली के हवाले कर दिया, पर उसने कहा, क्या तुम ये वादा करती हो कि मुझे सेफ्टी मिलेगी? एली ने कहा, अभी तो मैं तुम्हारी सेफ्टी का वादा नहीं कर सकती। हेलेन इस बात पर गन लेकर चली गई। अब ये समस्या गंभीर बनती जा रही है। गॉडी ने सबकी गन की कलेक्शन बना ली है, हर गन को उसके ओनर के नाम के स्टिकर के साथ रखा गया है। वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कैसेंड्रा वाले बुलेट से किसकी गन मैच कर रही है। एली ने अकेले में रोते हुए अपने फ़ोन से वॉइस मेल भेजा। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाई, हमने आप सब के बिना ही उसे दफना दिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। सभी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसेंड्रा को किसने मारा। हैरी ने कैली से कहा, ग्रेग ने कैसेंड्रा को मारा है। कैली को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, भला ग्रेग उसे क्यों मारेगा? हैरी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, पर सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडी अभी भी बुलेट से गन को मैच करने में लगा है। कैम्बेल की गर्लफ्रेंड जिसका नाम एले है उसे एक डॉग बाहर दिखा, वो उसे घर में लाई, उसे लाड़ प्यार करने लगी। जबकि विल, गॉडी, एले सब इकट्ठा हुए हैं, सब हैरी की बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ग्रेग ने कैसेंड्रा को मारा है। सबके अपने अपने मत हैं। एक का तो ये कहना है कि उसे अरेस्ट करना चाहिए, पर एली ने कहा, और हम अरेस्ट करके उसे कहाँ रखने वाले हैं? और क्या प्रूफ है कि हैरी सच बोल रहा है? वो क्या पता कोई साजिश कर रहा हो। एली और उसके साथी ग्रेग के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कंप्यूटर से, कुछ फाइलों से। ग्रेग को अब एली के आदेश पर अरेस्ट कर लिया गया है। उसे अरेस्ट करके कहाँ रखा जाए इस पर डिस्कशन चल रही है। एक ने कहा, उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। दूसरे ने कहा, कार में बंद करके रख देते हैं। पर एली के कहने पर उसे एक कमरे में अंधेरे में डाला गया। यहाँ एली ने कहा, ग्रेग के खाने पीने और बाकी के देखरेख के लिए हम किसी को यहाँ अपॉइंट करेंगे। एली ने ऐसा कर तो दिया है, पर उसे किसी साजिश की बू आ रही है। चर्च में एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर एली ने अनाउंस किया। उसने कहा, मैं आप सबको एक अपडेट देना चाहती हूँ, ग्रेग को आज सुबह अरेस्ट किया गया है। हम उसे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर रख रहे हैं तब तक जब तक कैसेंड्रा के असली कातिल का पता नहीं चल जाता, या फिर अगर ये ग्रेग है तो उसके साथ कोई भी था या नहीं, ये सब हमें पता लगाना है। गॉडी ने जेल जैसे कमरे में ग्रेग को एक छोटी बोतल दिखाई। उसे दिखाते हुए कहा, चाहे तुम हो या फिर कोई और, मैं पता लगा के रहूँगा। ग्रेग जहाँ कैद है वहाँ जेल के पहरेदारों में से एक ने उस पर हिंसा करनी शुरू कर दी। ये क्लार्क है, वो उसे बार बार मार कर उसे कन्फेशन लेने की कोशिश कर रहा है। ग्रेग बार बार कहता रहा कि उसने कैसेंड्रा को नहीं मारा, पर उसने ग्रेग की एक न सुनी। इतने में ल्यूक और एली यहाँ पहुँचे। दोनों ने क्लार्क को डांटते हुए कहा, तुम उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते, उसे कन्फेस कराने के लिए तुम्हें कोई हक नहीं कि उसे लहूलुहान कर दो। हम ट्रायल करेंगे, एक जुडिशल सिस्टम बनाएंगे और इस केस को वहाँ लड़ा जाएगा। ग्रेग को भी हक है अपने डिफेंस में अपनी बात रखने का, पर ये पहरेदार जिसका नाम क्लार्क है वो अपनी तरह से इस मामले को निपटाना चाहता है। एली ने उसे इस ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया।
अगली समस्या ये है कि किसे वकील नियुक्त किया जाए, किस किस को जुडिशल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। इस बात पर डिस्कशन चल रहा है। एली चाहती है कि हेलेना ग्रिग की वकील बने। वो पास में वकालत से रिलेटेड स्टडी कर चुकी है, पर हेलेना को ये पसंद नहीं। एली ने कहा, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ग्रिग को अपने डिफेंस का मौका दिया गया और तुम्हें ये करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और इस तरह कोर्ट की कार्रवाई चर्च में ही शुरू हो गई है। एली ने जज की सीट पर बैठते हुए कहा, हम सब ने अब तक ये टीवी में देखा है। बचपना बहुत हो गया, पर अब बड़े होने का वक्त आ गया है। चाइल्डहुड अब ख़त्म हुआ। अब इस सोसाइटी को हमें एक बेहतर सोसाइटी बनाना है, जहाँ न्याय है, नियम है, कायदे कानून है। सब उसे सहमति से देखे जा रहे थे। इस केस में गॉर्डी को प्रोसिक्यूटर बनाया गया है, जबकि हेलेना को ग्रेग के डिफेंस में वकील के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस तरह कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। गॉर्डी ने कहा, ये बोतल कैसेंड्रा की मौत वाली जगह पर मिली है। ये दो केसिंग्स हैं, दो बुलेट्स की, उन बुलेट्स की जिसने कैसेंड्रा की जान ली। ये बोतल आगे भी पास की गई, सब ने इसे देखा। गॉर्डी ने ग्रेग की गन भी दिखाई, जिसमें दो बुलेट्स 9mm की मिसिंग है। ग्रेग ने तुरंत बात को काटते हुए कहा, ये सब मुझे फ्रेम करने के लिए किया गया है। एली ने उसे शांत किया। अब बारी हेलेना की थी। उसने डिफेंस में सवाल करने शुरू किए। उसने गॉर्डी से कहा, क्या ये सब देख लेने भर से ये साबित होता है कि ग्रेग की गन से ही कैसेंड्रा को मारा गया है? क्या गॉर्डी तुम्हें 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो? गॉर्डी ने कहा, पर ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि ग्रेग की सेम साइज की गन से सेम साइज की बुलेट मिसिंग है? हेलेना ने कहा, क्या इस कोइंसिडेंस की 1% भी संभावना है? क्या तुमने इस शहर के एक एक घर को चेक किया है? क्या पता इसी साइज की एक और गन कहीं हो जहां तक तुम पहुंच नहीं पाए? गॉर्डी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि उसने पूरी छानबीन नहीं की। हेलेना ने ग्रेग के साथ जो हिंसा हुई है उस पर भी सवाल उठाया। एली ने अपनी तरफ से इस इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगी। हेलेना तो ये चाहती है कि क्लार्क को उसकी की सज़ा दी जाए। एली ने इस बात को काट दिया। उसने कहा, उसे सज़ा दी जा चुकी है, उसे फायर कर दिया गया है। ये केस ग्रेग का चल रहा है, क्लार्क का नहीं। इन सब के बाद हैरी को कटघरे में बुलाया गया है। कटघरे के तौर पर कुर्सी रखी गई है। हैरी ने कहा, जब ग्रेग कैसेंड्रा को मार के जा रहा था तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ग्रेग इस पर गुस्सा होकर एग्रेसिव हुआ, पर एली ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ सबको अपनी बात रखने का हक है, तुम्हें मौका दिया जाएगा। हेलेना ने हैरी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि उस स्माइल का मतलब यह है कि उसी ने कैसेंड्रा को मारा है, और ये सब वो तुम्हें क्यों बताएगा? हैरी ने कहा, वो मुझे खुश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि मेरी कैसेंड्रा से राइवलरी है। हेलेना इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने वो गन ग्रेग के घर में छिपा दी हो। आज की कार्रवाई खत्म हुई। जेल में एली ग्रेग से मिलने आई। उसने कहा, सच बता दो, कल तुम्हें सजा होने वाली है, तुम मुझे बताओ क्यों तुमने उसे मारा, किसके कहने पर तुमने ऐसा किया? कल मैं तुम्हें सजा सुनाऊंगी, तुम जिंदा नहीं बचोगे। ग्रेग ने कहा, तुम क्या सजा दोगी मुझे? इस कमरे में बंद रखोगी, बस इतना ही? एली ने कहा, तुम्हें जान से भी मारा जा सकता है, मुझे सच बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया? ग्रेग ने कहा, मैं क्या कहूँ, ये कहूँ कि हैरी और कैम्बल ने मुझे ये सब करवाया तब तुम मुझसे खुश हो जाओगी? एली गुस्से में यहाँ से चली गई। अगले दिन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। ज्यूरी की टीम बनाई गई है। एली ने ज्यूरी से वर्डिक्ट के बारे में पूछा। ज्यूरी ने कहा, ग्रेग को गिल्टी पाया जाता है। ये फैसला सुनकर एली ने स्वयं ही राहत की सांस ली है। उसने ज्यूरी को अपना काम निष्पक्षता से करने के लिए धन्यवाद दिया। एली ने कहा, अगले दिन मैं इस केस का फैसला सुनाऊंगी, अब सब जा सकते हैं। जब सब जाने को हुए तब ग्रेग ने कहा, मुझे कुछ कहना है। एली ने उसे भी बोलने का हक दिया। सबको वापस बैठने को आदेश दिया गया। ग्रेग ने कहा, प्रोम वाली रात मैंने कैसेंड्रा को मारा क्योंकि हैरी ने मुझसे कहा था। सब हैरी की तरफ देखने लगे। हैरी ने कहा, यह सब प्लानिंग मेरी नहीं थी, कैम्बल की थी। कैम्बल बाहर जाने लगा, पर क्लार्क और ल्यूक ने उसे रोक दिया। एली के आदेश पर कैम्बल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इस केस में क्या होने वाला है? इस सोसाइटी में और कौन कौन सी नई मुसीबतें आने वाली हैं, और ये सब स्टूडेंट्स इन सब से कैसे डील करेंगे? ये सब कुछ एक एग्जाम्पल होगा हम सब के लिए कि हमारी अपनी सोसाइटी कैसे चलती है। इस कहानी को देखकर हम अपनी सोसाइटी को भी समझ पाएंगे। अब तक की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।